महाद्या, जान तो तब भी आई थी, इसी अगस्त महीना, मैं अगस्त महीना था और सन था 2011 जब सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था और एक दिन में बेल मिला था और हंगामा हुआ था। और अब अगस्त 2024 है, उस वक्त और इस वक्त में बहुत अंतर है। ये सारे के सारे चोर उचक्के, ये इन पे पर्दा जो पड़ा हुआ था, पहले ये साध और सीधे लोग थे। जब इन्होंने कहा था कि मैं बाजार में, मैं आपके मोहल्ले में रहूँगा, कोई गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, हमने जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, हम जो है लोकपाल लाएंगे, तो इस पे जनता ने विश्वास किया था। लेकिन इन्होंने झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के बहुत सारे कर, हमारे लालू प्रसाद यादव और बहुत सारे नेता ने कहा था कि ये झाड़ू से ये सबको लपेटने आए हैं, और इसने यही किया, झाड़ू से समेटा लोगों को, पानी देने के नाम पे, बिजली देने के नाम पे, जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से लूटा वहीं पे इन्होंने शराब पिला पिला के लूटा। फिर ये कहते हैं कि बीजेपी ने इतना लूटा। अरे मेरे भाई, बीजेपी ने कितना लूटा वो बहुत बड़ा डॉन है, तुमने 10 रुपया लूटा। लूट तो लूट है, चोरी तो चोरी है, तुम जेल गया, 17 महीना जेल में रहा, अब तुम्हें जमानत मिली है, वो भी 3 कंडीशन पे, आप ज़्यादा उछलो नहीं, फिर कहीं ना अरेस्ट हो जाओ। आज आपका मुख्यमंत्री जेल में है, अब वो इस्तीफा नहीं दिया है मुख्यमंत्री से, वो जो है बार बार उनकी डेट बढ़ रही है। तो ऐसी हालत में आम आदमी पार्टी में जोश, वो चोर उचक्के कुकुरमुत्ते आपस में जमा हो गए हैं, जनता समझ गई है। और फिर आम आदमी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस ने अपने अंदर ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब बीजेपी आरएसएस का है, कांग्रेस आरएसएस का है, आम आदमी पार्टी आरएसएस का है, तो बचा क्या? अगर आरएसएस की सरकार बननी है, आरएसएस को चाहनी है, आरएसएस को ही वोट देनी है, तो फिर जनता उसके साथ जाएगी। और अगर आरएसएस का विरोध करना है, अगर उनके विचार और उनकी दशा दिशा, उनकी सोच जनता को नहीं पसंद है, तो फिर वो मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी के साथ आएगा। 70 उम्मीदवार हम लोग दिल्ली में खड़ा करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा शांति और सहौद के लेकर के, सुशासन को लेकर के, दिल्ली को लोटियन जोन बनाने के लिए हम जीतेंगे। बाहर निकल चुके हैं, तो आप कैसे सामना करेंगे? जमानत बाहर निकलना नहीं होता, जमानत दी गई है, केस खत्म नहीं हुआ है, केस चलेगा। और अगर आपने इधर उधर किया तो आपको पुनः जेल में जाना होगा, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना होगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप मुजरिम नहीं हो, आपको सिर्फ जमानत दिया गया है। एक जमानत होता है टाइम, थोड़े से टाइम के लिए बाहर जाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप केस खारिज हो गया, आपको केस खारिज नहीं हुआ, आपको जमानत मिला है, आप मुचलके पे बाहर आए हो। आपने 1 लाख कितना जो है उनको जो है जमानत के लिए भरना पड़ा है, तो ऐसे नहीं आए हैं आप, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ये देखते रहिए, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसकी बुनियाद जिस तरह से बढ़ी आगे बढ़ता, लेकिन ईमानदारी इन्होंने खो दिया, इन्होंने चोरी चकारी की, डाकू लुटेरे से मिल करके इन्होंने कहा बाकी डकैती कर रहा है तो हम चोरी करेंगे। और इस हालात में ना बीजेपी को जनता चाह रही है, ना कांग्रेस को चाह रही है, ना आम आदमी पार्टी को चाह रही है, अब एक सीधा साधा मानवता पे काम करने वाला अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली के अंदर आने वाले समय में राज करेगा और सही तरीके से जनता के हक अधिकार को दिलाएगा। इसलिए नहीं, देखिए जमानत हुई, जमानत कभी भी हो सकती है, आप उसका कुछ भी क्यास कर सकते हैं। अभी जो है एजुकेशन का सेशन शुरू हो रहा, हर जगह एडमिशन का, सब जगह स्कूल वगैरह हर जगह चल रहा है, कॉलेजेस में चल रहा है। अब ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे, अब सुनने में आया है कि सिसोदिया को जो है केजरीवाल इस्तीफा देंगे, सिसोदिया जो है मुख्यमंत्री होगा, तो क्या सुनीता केजरीवाल, क्या अतिशी, क्या संजय सिंह, क्या राघव चड्ढा, ये सब जो लाइन में है उनको ना मिल करके इनको मिलेगा, किनको क्या विरासत मिलता है ये कह नहीं सकते। लेकिन यही सिसोदिया पतपड़गंज से हार गए थे और थोड़े से वोट से रिकाउंटिंग में ये जीते थे, तो आज जनता के नज़रों में आ गए हैं। पतपड़गंज में इंटेलेक्चुअल लोग रहता है, आने वाले फरवरी में सिसोदिया जी
भारी मतों से हारने वाले हैं, और मैं पतपड़गंज से एक सीट से मैं भी लड़ूंगा। आप कैसे जीतेंगे? आपके पास जनाधार है? मेरी जनाधार है, मेरा मुद्दा मानवता है, मेरा मुद्दा आर्थिक आजादी है, मेरा शपथ पत्र के साथ जनता के साथ एक विश्वास है। 37 साल मानवता के आधार पर हमने काम किया है, लोगों के हक अधिकार के लिए काम किया है, उनको जो है फ्री में वकील और उनको सलाह मशवरा, लोगों को एक बहुत बड़ी राहत हम लोगों ने दी है। पिछले 37 वर्षों से हम लोग जमीन से जुड़े हैं और इन चोर उचक्कों को हमने मौका दिया, लेकिन अब चोर उचक्कों को बाहर करने के लिए डॉक्टर दुआ एक नहीं दो जगह से लड़ेगा, लक्ष्मी नगर और पतपड़गंज से। दो जगह से लड़ेंगे, 70 कैंडिडेट लड़ेंगे हम पूरा। कहाँ है मजबूत? मजबूती तो ये थी, जनता साथ थी, जनता ही मजबूत होता है। जनता अब साथ नहीं है, उसने मुसलमानों को धोखा दिया, उन्होंने ऑटो वालों को धोखा दिया, उन्होंने व्यापारियों को भी धोखा दिया, उन्होंने सबको धोखा दिया। महिलाओं को जो है बस में फ्री कर करके फिर उनको जो है उनके परिवार से और बाकी से उसमें भी अभी घपला देखिए ना, अब बस का घपला आएगा, अब जो है ये जो है मोहल्ला क्लिनिक का घपला आएगा, शराब का घपला सामने आपके सामने आया है, अब पानी का घपला आएगा, अब बिजली का घपला आएगा। घपलेबाज की ये सरकार, आप कहते हैं कि ये सरकार बनेगी, ये नहीं बनेगी। जनता समझ गई है, जान गई है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। लेकिन कुछ अंधभक्त अभी भी हैं, कुछ लोग लॉलीपॉप में कुछ मिल जाए इसलिए लगे हुए हैं, लेकिन वो आज नहीं तो कल इनकी दामन को छोड़ देंगे। इनके बहुत सारे नेता दामन छोड़ चुके हैं, जैसे आपका राजकुमार आनंद है, राजकुमार आपका राजेंद्र गौतम है, आपका जो है ये जो है महिवाल है, आपका कपिल शर्मा है, आपका जो है बाकी सारे लोगों ने इनको छोड़ा है। अब बचे क्या? अब एक दुखे लोग बचे हैं और वो भी मौके की तलाश में है कि कब मुझे बीजेपी बुला ले, कब मुझे कांग्रेस इंडिया गठबंधन बुला ले, और कब मुझे कोई जगह मिल जाए वहां मैं चला जाऊं। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ढाक का 3 पात हो चुका है।